मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन और सनी देओल के बारे में। ये दोनों सुपरस्टार अपने समय समय में बहुत सी हिट फिल्में दी, लेकिन इन्होंने आपस में कभी भी एक साथ काम नहीं किया। इसका कारण क्या था, क्यों इन्होंने आपस में कभी काम नहीं किया, इनकी आने वाली फिल्म के भी बारे में बात करेंगे। और एक और खुशखबरी आ रही है कि क्रिश 4 इसकी भी अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों, इसके बारे में हम और ज्यादा बात करें, क्या आ रहा है नया रिएक्शन इन दोनों की फिल्मों का। तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूले। जहां सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म बेताब की 1983 में, सनी देओल के पिता धर्मजी सनी देओल को शुरू से ही हीरो बनाना चाहते थे, इसलिए सनी देओल को धर्मजी ने लंदन में एक्टिंग सीखने के लिए भेजा। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की हम बात करें तो इन्होंने अपनी फिल्म कहो ना प्यार है जो 2000 में आई थी, इससे अपना एज ए हीरो फिल्मी कैरियर शुरू किया। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन एक फिल्म बना रहे थे कहो ना प्यार है, इसमें वो शाहरुख खान को लेना चाहते थे, लेकिन शाहरुख खान किसी तरह ऋतिक रोशन को डेट नहीं दे सके। राकेश रोशन की एक बात थी, वो हमेशा बड़े स्टार के साथ ही फिल्म बनाते थे। राकेश रोशन इस फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ऋतिक रोशन जब बाहर काम ढूंढने जाते थे, राकेश रोशन को थोड़ी दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऋतिक रोशन को ही इस फिल्म में ले लूं। उन्होंने साथ में एक नई हीरोइन भी ली, अमीषा पटेल, ताकि बजट थोड़ा कम हो, अगर फिल्म ना चले तो ज्यादा नुकसान राकेश रोशन को ना झेलना पड़े। मात्र 10 करोड़ में ये फिल्म बनी और इस फिल्म ने तकरीबन 85 करोड़ कमा लिए और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस तरह ऋतिक रोशन का उदय हुआ। आप कह सकते हैं सनी देओल के पिता और राकेश रोशन जो कि ऋतिक रोशन के पिता है, दोनों पिताओं ने, धर्म जी और राकेश रोशन ने, अपने बेटों को फिल्मों में लाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करने दी। सनी देओल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी, जैसे गायल, दामनी, घातक, जीत, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, डर, अर्जुन पंडित आदि। दूसरी तरफ अगर ऋतिक रोशन की बात करें तो उन्होंने भी बहुत सी हिट फिल्में दी, जैसे विक्रम वेदा, क्रिश, वार, बैंग बैंग, कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार है, सुपर 30, कोई मिल गया, धूम 2, क्रिश 3। इसी तरह अभी खबर आ रही है क्रिश 4 की भी अनाउंसमेंट की और इसको भी जल्दी बनाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस साल हमें दो बड़ी फिल्में देखने को मिल सकती हैं, एक गदर 2, दूसरी क्रिश 4। ऋतिक रोशन और सनी देओल ने आपस में क्यों काम नहीं किया, इसका सबसे बड़ा कारण था कि सनी देओल और ऋतिक रोशन की एक तरह से ईगो भी कह सकते हैं, दूसरा आपस में इनका स्टाइल भी बहुत अलग है। जहां सनी देओल एक बहुत अच्छे फाइटर हैं, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। डांस के मामले में मालूम है दोस्तों आपको, सनी देओल का दूर दूर तक कोई भी डांस के साथ रिश्ता नहीं है। जब ऋतिक रोशन ने 2000 में अपना फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उस समय सनी देओल सुपरस्टार थे। एक नए हीरो के साथ इस तरह आना शायद सनी देओल को सूट नहीं करता था, या ये भी हो सकता है इनकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए ये दोनों आपस में काम नहीं कर सके। अभी दोनों काफी एक्टिव हैं, ऋतिक रोशन का कैरियर अभी भी टॉप पे है और दूसरी तरफ सनी देओल काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर को दोबारा पटरी में लाने के लिए, जिसके लिए गदर 2 फिल्म पर काफी उम्मीदें टिकी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्रिश 4 और गदर 2 जो दोनों फिल्में आ रही हैं, कैसी रहेगी? ऋतिक रोशन और सनी देओल के बारे में आपका क्या ख्याल है,
क्या इन दोनों को आपस में फिल्में करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि वक्त पे ही छोड़ देना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।